हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल। आज मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का रंजकुट्टा मेथड सिखाने वाला हूँ। रंजकुट्टा अगर आपके यूनिवर्सिटी के पेपर में अगर आप लिखा जाए रंजकुट्टा मेथड से सॉल्व करना है, तो इसका मतलब है रंजकुट्टा फोर्थ ऑर्डर से हमें सॉल्व करना है। यूलर्स मॉडिफाइड अगर आप देखेंगे, अगर उससे करेंगे तो उसे बोलते हैं रंजकुट्टा सेकेंड ऑर्डर भी, उसका नाम यूलर्स मॉडिफाइड बोलते हैं। वो सेकंड ऑर्डर है और ये फोर्थ ऑर्डर है, इसीलिए आप कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा किस टाइप से, मतलब कौन सा किसका है और कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए आज मैं आपको रंजकुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर में सिखाने वाला हूँ। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसके मेथड्स क्या हैं, आज मैं सिखाने वाला हूँ। रंजकुट्टा मेथड वैसे बेसिकली आया क्योंकि रंजकुट्टा सेकेंड ऑर्डर था, तो रंजकुट्टा फोर्थ ऑर्डर इसलिए आया क्योंकि रंजकुट्टा जो है फोर्थ ऑर्डर, वो हमें एक्यूरेसी आंसर वाई का जो आंसर हमें मिलता है उसका एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा रहता है। इसमें चांसेस इसका सिमिलर आंसर मिलना, मतलब मिलने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए रंजकुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड यूज़ किया जाता है। चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ और उसे सॉल्व कैसे करते हैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। चलिए एक एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने। देखिए फ्रेंड्स, ये है आपके सामने एग्जांपल। यूजिंग रंजकुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर सॉल्व डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विथ वाई ज़ीरो, वाई ज़ीरो इक्वल्स टू वन, वाई फॉर ज़ीरो इक्वल्स टू वन एट एक्स इज इक्वल टू 0.2 एंड 0.4। एक्स का देखिए, पहले तो जब भी हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, जैसा कि आपने यूलर्स मेथड देखा होगा, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड देखा होगा, तो उसमें क्या, हम लोग सबसे पहले जब भी स्टार्टिंग का सम करते हैं तो हम लोग इनिशियल वैल्यू लिखते हैं। तो हमारे पास इनिशियल डेटा क्या है, पहले हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है, जिसे हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई भी बोलते हैं। देखिए ये एक्स और वाई के टर्म में है। एक्स देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। जब भी आपको, अगर इसे चेंज भी कर सकते हैं, y और x के जगह पे u v या फिर w t कुछ भी डाल सकते हैं उन लोग एग्ज़ाम में अगर आए तो। तो हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमारे पास इनिशियल जो वैल्यू है y एट ज़ीरो इक्वल टू वन, देखिए अगर x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, x जब भी ब्रैकेट में दिया है, मतलब x इनिशियल, इनिशियल को मैं ज़ीरो से इंडिकेट कर रहा हूँ, x ज़ीरो का वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो y इनिशियली क्या होगा, वन होगा। इसका मतलब ही, इस क्वेश्चन का मतलब ही यही होता है, जब x का वैल्यू ज़ीरो रहेगा तो y का वैल्यू क्या रहेगा, वन रहेगा। इसमें हमें रंजकुट्टा मेथड यूज़ करके, रंजकुट्टा फोर्थ ऑर्डर में यूज़ करके हमें y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू कब निकालना है, जब x का वैल्यू 0.2 रहेगा और x का वैल्यू 0.4 रहेगा। तो इनिशियली वैल्यू देखिए आप, इनिशियल वैल्यू x0 का क्या है, 0 है, और फिर उसके बाद क्या हो गया, ये बढ़ के 0.2 हो गया, फिर से बढ़ के 0.4 हो गया। तो देखिए इसमें क्या है, इंक्रीमेंट है, कितने का इंक्रीमेंट है, 0.2 का इंक्रीमेंट है। तो h का वैल्यू हमारा जो इंक्रीमेंट है वो कितना है, 0.2 है। हमारा जब भी देखिए, जब x का इंक्रीमेंट 0.2 है तो y का भी कुछ इंक्रीमेंट होगा, तभी तो ये होगा ना। जब भी हम लोग कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो अगर x इंक्रीमेंट होगा कुछ नंबर से तो y भी कुछ इंक्रीमेंट होगा। तो वो क्या इंक्रीमेंट होगा, देखिए जब भी हम लोग का y जो हमें मिलेगा वो हमारा इंक्रीमेंट रहेगा y0 मतलब इनिशियल प्लस k, मैं ले रहा हूँ, हम लोग k ही लिखते हैं, जब रंजकुट्टा मेथड लेते हैं तो हम लोग k लिखते हैं, तो k मतलब इंक्रीमेंट हो गया। तो एक्चुअली k का वैल्यू क्या है, y0 का वैल्यू तो पता है, y0 का वैल्यू है 1, लेकिन k का वैल्यू क्या है, अगर हमें 0.2 पे चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम लोग x निकालेंगे इनिशियली x का, तो हम लोग क्या काम करेंगे, x0 प्लस h करते हैं। x0 क्या है, x0 इज इक्वल टू 0 प्लस h इज इक्वल टू 0.2, तो हमारा क्या हो जाता है, 0.2 हो जाता है। ये हमारा x का इंक्रीमेंट हो गया। अगर y का इंक्रीमेंट रहेगा तो क्या रहता है, y इज इक्वल टू y0 प्लस h। ये तो हमारे पास x का डेटा था, y के लिए हम लोग k, अब k फाइंड करने के लिए क्या है, k के लिए फॉर्मूला है, k इज इक्वल टू k1 प्लस 2k2
प्लस 2k3 प्लस k4 डिवाइड बाय 6। ये फॉर्मूला है k को ढूंढने के लिए। अभी आपके माइंड में ये आता होगा, अभी हमें अभी एक कॉम्प्लिकेशन पहले से ही था k ढूंढना है, तो अभी आपने और कॉम्प्लिकेशन कर दिया k1 k2 k3 k4, अभी ये कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका भी एक फार्मूला है, जैसे कि यूलर्स आपने मॉडिफाइड या फिर यूलर्स मेथड देखे होंगे, तो आपको आपने फाइंड किया था k1, उसमें क्या रहेगा, h इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ हमें x0, y0। आप ये फाइंड करेंगे तो इससे आपको k1 मिलेगा। k2 और k3 के लिए सिमिलर फार्मूला है, k2 k3 के लिए सिमिलर फार्मूला है, x0 प्लस h/2 कॉमा ये एक्स टर्म के लिए, एक्स साइड के लिए हो गया। आप वाई साइड के लिए क्या करेंगे, y0 प्लस, अगर ये k2 के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k1 डिवाइड बाय 2। अगर यही k3 के लिए है, अगर यही k3 के लिए है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k2 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारा हो गया k3 के लिए। अगर वही k4 का फाइंड करना रहा तो क्या कैसे फाइंड करेंगे, k4 के लिए भी फॉर्मूला है, k4 के लिए है h, यहाँ पे हमें क्या करना है, x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस k3 ऐड करेंगे तो आपको k4 का वैल्यू मिल जाएगा। k4 ही अगर ये सब आपको मिल जा रहा है तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, k का वैल्यू मिलेगा, k का अगर ऐड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो किसका वैल्यू मिलेगा, मैं y0 के साथ अगर ऐड करेंगे तो आपको y का मिलेगा, वो किसका सॉल्यूशन रहेगा, इसका सॉल्यूशन रहेगा। जब x का वैल्यू 0.2 रहेगा तो k का वैल्यू, y का वैल्यू क्या रहेगा, वो हमें जो ढूंढना था हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से हम लोग 0.4 के लिए भी ढूंढ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको कंप्लीट, इसमें मैं क्या सिखाने वाला हूँ मैं आपको बता दिया हूँ, अभी आपको स्टेप्स कैसे सॉल्व करने हैं वो सभी दिखाता हूँ। चलिए जैसा कि मैंने बोला था, अभी हमें क्या फाइंड करना है, k1 फाइंड करना है। K1 का फॉर्मूला क्या है, K1 इज इक्वल्स टू h फंक्शन ऑफ x0, y0। अभी फंक्शन ऑफ x0, y0 क्या है, इसका वैल्यू क्या है, तो देखिए जब हमारा इक्वेशन था हमारा, देखिए ये क्या है, फंक्शन ऑफ x0, y0 है। जो अगर मैं ये इसे इनिशियल एक्स वाई की जगह पर मैं अगर इनिशियल वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये x0, y0। अगर वही वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया x0, y0 का, तो हमें फंक्शन ऑफ x0, y0 का क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए क्या है हमारा x0 का वैल्यू क्या है, 0 है, 0 स्क्वायर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, वही 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर क्या हो गया, हमें मिला 1 मिला। और h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू है हमें, हमारे पास h का पहले से वैल्यू है वो है 0.2 से अगर हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.2 हो जाता है। ये हमारा क्या हो गया, k1 का वैल्यू हो गया है। अब इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, K2 का फाइंड करना है। अभी K2 का फॉर्मूला क्या है, K2 और K3 के लिए, K2 के लिए है h फंक्शन ऑफ x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस k1/2। आपको याद रखना है जब K2 के लिए है तो यहाँ पे k1 आएगा, K3 के लिए है तो K2 आएगा हमारा। देखिए h ऐसे ही रखता हूँ अभी, पहले x0 का वैल्यू क्या है, x0 का वैल्यू 0 है, h का वैल्यू क्या है, 0.2 है, x0 का वैल्यू 0 है, h का वैल्यू 0.2 है डिवाइड बाय 2। अभी हमारे पास y0 का वैल्यू क्या है, 1, k1 का वैल्यू क्या है, 0.2 और 2 डिवाइड बाय है, तो हमें क्या मिल गया, देखिए h फंक्शन ऑफ 0.1 कॉमा, इसे करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, डिवाइड 0.1 प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1.1। अभी आपको कैलसी में सब्सटीट्यूट करके 0.1 और 1.1 करके आपको फंक्शन में वैल्यू डाल के सॉल्व करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें अगर यही वैल्यू यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या हो गया, h हमारा क्या है, 0.2 है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 0.2 हमारा x0 का वैल्यू, x0 मतलब ये x का जगह पे लिखा जाएगा, x जहाँ पे वहाँ पे लिखेंगे क्या है, 0.1 का स्क्वायर, y जहाँ पे है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 1.1 है, 1.1 स्क्वायर माइनस 1.1 होल स्क्वायर प्लस 0.1
द होल स्क्वायर। इसे आप अगर कैल्सियम में डाल के सॉल्व करके देखेंगे तो आपको K का वैल्यू मिल जाएगा, K2 का, K1 का हम लोग ने पहले ही निकाल दिया था, K2 का वैल्यू मिलेगा 0.19672। ये K2 का वैल्यू हो गया। K3 का वैल्यू क्या है? K3 के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, X0 प्लस H/2। ये सिमिलर रहेगा यहाँ पे भी, लेकिन चेंजेस कहाँ पे आएगा? इसका चेंजेस आएगा यहाँ पे Y0 प्लस K2/2। देखिए, जैसा कि मैंने बोला था K3 के लिए यहाँ पे K2 आएगा, बाकी सभी सेम रहेंगे। तो देखिए, ये H रहेगा ये फंक्शन, इसे सॉल्व करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे वैल्यू मिला था 0.1, यहाँ पे भी 0.1 ही मिलेगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1 प्लस K2 का वैल्यू क्या है, K2 का वैल्यू है 0.19672 डिवाइड बाय 2। और इसे अगर आप कैल्सियम में डाल के सॉल्व करके देखेंगे तो 1 प्लस इसे आप डिवाइड करेंगे और ऐड करेंगे 1 के साथ, तो आपको वैल्यू मिलेगा K3 का 1.09836। आपको ये मिलेगा। और आप अगर यही वैल्यू आप अगर इक्वेशन में, हमारा जो इक्वेशन दिया था Y² प्लस X² में सब्स्टिट्यूट करेंगे, चलिए मैं सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूँ। H का वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.2। हमारा देखिए Y का वैल्यू क्या है, 1.09836 द होल स्क्वायर प्लस माइनस X का वैल्यू है देखिए, ये हमारा क्या हो गया, Y का वैल्यू हो गया, X का वैल्यू है 0.1, 0.2 प्लस 0.1² प्लस 1.09836 द होल स्क्वायर। यही अगर आप कैल्सियम में डाल के मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखेंगे तो आपको K3 का वैल्यू मिलेगा। K3 का वैल्यू जो आपको मिलेगा वो है 0.1967। आपको K3 का वैल्यू मिल गया। जैसे कि मैंने बोला था हमें K का वैल्यू फाइंड करना है, K के लिए हमें क्या चाहिए, K1 चाहिए, K2 चाहिए, K3 चाहिए, K3 तक हमें मिल गया है, K4 भी चाहिए। तो चलिए हम लोग K4 फाइंड करते हैं। चलिए K3 मिल गया है, अभी हमें क्या करना है, K4 फाइंड करना है। K4 के लिए क्या फॉर्मूला है? K4 के लिए है एच फंक्शन ऑफ X0 प्लस एच कॉमा Y0 प्लस K3। हमारा H का वैल्यू क्या है, 0.2। और हमारा X0 का वैल्यू क्या है, X0 का वैल्यू 0 था प्लस H का वैल्यू क्या था, 0.2 था, तो 0.2 लिख दिया। Y0 का वैल्यू क्या था, 1 था, 1 प्लस K का वैल्यू क्या था, K का वैल्यू है हमारे पास, देखिए K का वैल्यू जो हम लोगों ने K3 का वैल्यू सॉल्व किया था तो हमें मिला था 0.1967। तो आप इसे ऐड अप कीजिए, आप ऐड अप अगर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.2 × 1.1967 आपको ये मिल गया है। तो K4 फाइंड करने के लिए आप क्या काम करेंगे, X की जगह पे इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, Y की जगह पे इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे और आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या था, Y स्क्वायर क्या है आपका यहाँ पे 1.1967 स्क्वायर माइनस 0.2 स्क्वायर डिवाइड बाय 1.1967 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करेंगे कैल्सियम में डाल के तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा K4 का, 0.1891। ये क्या हो गया, जब X 0.2 था, Y ये था, तो आपको जो वैल्यू मिला है वो क्या है, देखिए ये आपको K4 मिला है। K4 मिलने के बाद हमें क्या फाइंड करना है, Y1 फाइंड करना है। Y1 क्या है, Y1 जैसे कि मैंने बोला था K का, K प्लस 0 Y0 का इनिशियली वैल्यू के साथ हम लोग K का वैल्यू ऐड करेंगे, K का ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Y का मिल जाएगा। तो हमारे पास लेकिन K का क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोला था Y = Y0 प्लस K था। K का वैल्यू क्या है, K है K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4 डिवाइड बाय 6। अगर ये सभी आपको जो मैंने अभी वैल्यू सॉल्व की है, जो वैल्यू मैंने फाइंड किया है उसे अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, Y0 का वैल्यू क्या है, 1 है, और जो वैल्यू मैंने फाइंड किया हूँ उसे अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको Y1 का वैल्यू मिल जाएगा। इसे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके इसके साथ ऐड अप करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा Y1 का। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 0.2 × 2 × हमारे पास K2 का वैल्यू क्या है, 0.1967
टू प्लस के थ्री का वैल्यू क्या है, के थ्री का हमें जो हम लोग ने सॉल्व किया था उसका वैल्यू है 0.1967 प्लस के फोर, के फोर का वैल्यू क्या है 0.1891 डिवाइड बाय 6। इसे आप अगर कैलसी में डाल के इसे 6 से डिवाइड करेंगे प्लस 1 करेंगे तो आपको k का वैल्यू y1 का वैल्यू मिलेगा, वो क्या मिलेगा आपको 1.196। ये किसका वैल्यू है, जब हमारा y एट 0.2 मतलब x हमारा 0.2 रहेगा तो y क्या है, y हमारा हमें क्या मिलेगा 1.196। इसी तरीके से हमें 0.4 के लिए भी जब हमारा x 0.4 रहेगा तो हमारा k का वैल्यू, हमें y का वैल्यू y2 जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, हमें वो फाइंड करना है। तो चलिए आगे हम लोग क्या काम करते हैं, 0.4 के लिए फाइंड करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू इनिशियली था जो हम लोग ने पहली बार जब हम लोग सबसे पहले सॉल्व करने के लिए फर्स्ट y फाइंड करने के लिए y1 फाइंड करने के लिए रखा था, जो इसे फाइंड करने के लिए हम लोग ने x क्या यूज़ किया था, ज़ीरो यूज़ किया था, क्या था वो ज़ीरो। अभी हम लोग इसका इंक्रीमेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीमेंट करेंगे ज़ीरो प्लस 0.2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.2 एक्स का वैल्यू रहेगा। तो इसे आप कैरी आउट करके सॉल्व करेंगे तो ये आपका के फोर के लिए एक्स फोर के लिए आपको वैल्यू मिल जाएगा। और यही सभी आपको जैसे कॉमन स्टेप्स हैं इसे सॉल्व करना है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ इस स्टेप में क्या क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। चलिए हमारा K1 का क्या रहेगा, अभी हमारा K1 जैसे कि मैंने इसमें किया था K1, K2, K3 फाइंड करना था उसी तरीके से इसमें भी आपको K1, K2, K3, K4 फाइंड करना है। तो इसमें K1 के लिए भी वही सेम फॉर्मूला रहेगा, लेकिन इसमें हमारा इनिशियल वैल्यू हम लोग स्टार्टिंग में हमारे पास x0 y0 था, लेकिन हमारे पास अभी क्या है x1 है और y1 है, y1 का वैल्यू है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, x1 y1 आपका क्या है उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा, चलिए अब मैं आपको सब्स्टिट्यूट करके दिखा देता हूँ। h क्या था हमारा 0.2 था, x1 और y1 अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें जो हमें दिया है तो क्या मिलेगा 1.196 स्क्वायर माइनस हमारा x क्या है 0.2 स्क्वायर डिवाइड बाय 1.196 स्क्वायर प्लस 0.2 द होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको k का वैल्यू मिलेगा जो है वो 0.1891 आपको ये वैल्यू मिलेगा, ये आपका k1 का वैल्यू हो गया। इसी तरीके से आपको k2, k3, k4 भी फाइंड करना है। चलिए k1 मिल गया है, अभी k2 फाइंड करते हैं। k2 हमारा क्या रहेगा, h इंटू x1 प्लस h बाय 2 प्लस y1 प्लस k1 बाय 2, जैसा कि मैंने फार्मूला पहले भी बताया है उसी तरीके से आपको इसमें भी करना है। h इंटू ये हमारा जो फंक्शन है, ये हमारा देखिए x1 का वैल्यू क्या है, x1 हमारा क्या है 0.2 है, 0.2 h हमारा क्या है 0.2 डिवाइड बाय 2, ये हमारा हो गया। y1 का वैल्यू क्या है, y1 हमारे पास था 1.196 जो यहाँ पे आपने देखिए यहाँ पे जो फाइंड किया था वो क्या था आपका y1 था, y1 1.196 मिला था आपको। तो k1 का वैल्यू क्या है, k1 का आपको जो मिला है 0.1891 डिवाइड बाय 2 करेंगे और इसे ऐड अप करेंगे तो आपको फंक्शन मिल जाएगा, फंक्शन ऑफ कितने के लिए तो हो जाएगा 0.3, इसे आप सॉल्व करेंगे तो 0.3 मिलेगा और इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1.2906 आपको मिलेगा। और इसे अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, h का क्या वैल्यू है 0.2 और फंक्शन का अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1.2906 स्क्वायर माइनस 0.3 स्क्वायर डिवाइड बाय 1.2906 स्क्वायर प्लस 0.3 स्क्वायर। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करके आपको K2 का वैल्यू मिलेगा, K2 का आपको क्या वैल्यू मिलेगा 0.1795 मिलेगा। और आप अगर K3 इसी तरीके से फाइंड करेंगे तो आपको H फंक्शन आपको सभी ये सिमिलर मिलेगा, Y1 प्लस K2 बाय 2, मैं आंसर नहीं बोल रहा हूँ सिमिलर मिलेगा, लेकिन ये फार्मूला देखिए ये आपको स्टेप्स वही आपको रिपीट करना है जैसे कि आपने K1, K2, K3 पहले फाइंड किया था उसी तरीके से इसका भी K1, K2, K3, K4 फाइंड करना है। इसका भी अगर आप सॉल्व करेंगे कैलसी में सभी चीज़ें सब्स्टिट्यूट करके तो आपको K3 का वैल्यू मिलेगा
0.1793 और Q4 मिलेगा हमें 0.1688 मिलेगा। और अब आपको Y2 फाइंड करना है। Y2 जो आपको मिलेगा वो क्या रहेगा, Y2 रहेगा Y1। अभी आपका जैसे उसमें पहले था क्या था, Y0 प्लस K था, इसी तरह से यहाँ पे क्या रहेगा, Y1 प्लस K रहेगा। लेकिन यहाँ पे K क्या है, यहाँ पे K है आपका K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 प्लस K5 रहेगा। 2K2 हो जाएगा प्लस 2K3 रहेगा प्लस 2K3 के बाद 4 रहेगा डिवाइड बाय K4 डिवाइड बाय क्या रहेगा, 6 रहेगा। और इसे अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा 1.3752 आपको मिलेगा। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।